हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 20th लेक्चर है और कहें तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। ये टॉपिक प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये चैनल, हमारा ये इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत 17 मार्च से ही हो चुकी है, ठीक है। 20 जून तक हमारा ये कोर्स चलेगा। इसके काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि एकदम फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करवा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहे हैं और दूसरा सीसेट की क्लासेस भी लग रही हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप फॉरवर्ड कीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकें। अगर आपको डिटेल्ड शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, वो है भक्ति मूवमेंट। अब फ्रेंड्स, ये जो इमेजेस आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, तो आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि भक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, पॉलिटिक्स को ले लीजिए, काफ़ी सारे भक्त आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जो बड़ा पॉलिटिशियन है उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं, उन सबको आजकल हम क्या कहते हैं कि भाई ये सब तो भक्त हैं, ठीक है। और जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं कि ये तो अंध भक्त हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भक्ति का मतलब क्या होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो भक्ति आंदोलन था, ये आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कल्चरल मूवमेंट इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है, आप इस लेक्चर में इसको समझ जाएंगे, ठीक है। सवाल उठता है कि भक्ति का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, भक्ति का मतलब होता है कंप्लीट डिवोशन, जो गॉड है उसके प्रति कंप्लीट डिवोशन, या फिर कंप्लीट सरेंडर। और इसमें एक चीज और खास बात होती है, वो ये कि आप रिटर्न में कुछ नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे भगवान के प्रति, मींस कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट सरेंडर। और बदले में आप जब कुछ भी नहीं चाहेंगे, कुछ भी आपको रिटर्न में नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं भक्ति। इसका मतलब ये एक सेल्फलेस लव है भगवान के प्रति, इसको कहते हैं फ्रेंड्स भक्ति। और यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो भक्ति है, ये किसी तरह का रिलीजन नहीं है, ठीक है, या कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक मेथड ऑफ वर्शिपिंग है, एक उपासना करने की, भगवान की पूजा करने की एक पद्धति है, ठीक है। एक उपासना है, एक पद्धति है, एक मेथड ऑफ वर्शिपिंग है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम हड़प्पा पीरियड की बात करें, तो वहाँ पे हमको कुछ टेरेकोटा फिगर्स मिले थे, आपको याद आ रहा होगा, मदर गॉडेस, हमको पशुपति सील भी मिली थी, आपको याद होगा। तो दोस्तों, अगर हमको इमेज मिल रही है, टेरेकोटा फिगर मिल रहा है, तो उसका वो लोग क्या करते होंगे, तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी अमाउंट में वो भी भक्ति करते होंगे। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये डाउट हमारे मन में आता है कि अगर इमेज है तो मीन्स लोग उसकी पूजा तो करते ही होंगे, उसी को हम भक्ति भी कहते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन पीरियड की, जब बुद्धिज्म अपने चरम पे था, हमने काफ़ी सारी बुद्धिज्म की इमेजेस बननी स्टार्ट होती हैं, वो हमने देखी थी, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ना किसी अमाउंट में भक्ति उस समय स्टार्ट हो गई थी। अब दोस्तों, इसका जो कंसोलिडेशन था वो हमको मिडिवल पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। और इस भक्ति मूवमेंट ने हमारी सोसाइटी को एकदम रिवोल्यूशनाइज कर दिया, एकदम क्रांतिकारी ये कदम था। इससे एक तो हमारी सोसाइटी, पॉलिटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, इन सब पे इफेक्ट हुआ था। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट मेंस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। सवाल उठता है कि भाई भक्तिज्म क्यों आया, भक्ति मूवमेंट क्यों आया, ऑलरेडी इतने सारे धर्म थे, तो फिर ये नया मेथड क्यों आने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने देखा था कि जैनिज्म बुद्धिज्म क्यों आया था, क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे, इस वजह से जैनिज्म बुद्धिज्म सामने आता है। अब इस फेज में हम देखते हैं कि भक्तिज्म सामने आ रहा है, एक मेथड ऑफ वर्शिपिंग जो है थोड़ा चेंज होता है। और क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, अगर हम ब्राह्मणिज्म की बात करें, तो उसमें रिचुअल, सेक्रीफाइजेस, यज्ञ, कर्म कांड काफ़ी सारे होते थे, कास्ट सिस्टम को वो लोग फॉलो करते थे, वुमेन, शूद्रा, इन लोगों के लिए अलाउ नहीं था, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऑस्टेरिटी का पालन करना होता था, कठोर तप त्याग आपको करना होता था, और एंड में हम देखते हैं कि इनको रॉयल पैट्रोनेज भी नहीं मिलता है, तो इस वजह से भी जैनिज्म बुद्धिज्म जो था वो लोग इसको ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जब हिंदुइज्म में इश्यूज हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म में इश्यूज हैं, तो अब क्या नया रास्ता ढूंढा जाए, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए भगवान की पूजा करने का, ठीक है। तो इस तरह से जो भक्ति की नई जो प्रथा है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम डिटेल में दोस्तों बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के ऊपर। इसका ओरिजिन ऐसा मानते हैं कि साउथ इंडिया में हुआ था 7th से 12th सेंचुरी के बीच में, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारे एविडेंस हमको मिलते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बात की थी, बट इस पीरियड में कंसोलिडेट होता है, ठीक है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे दो ग्रुप थे भक्ति संतों के, एक ग्रुप का नाम था नयनार्स और दूसरे थे अलवर्स। फ्रेंड्स, नयनार्स वो संत हुआ करते थे, वो सेंट हुआ करते थे जो कि लॉर्ड शिव को मानते थे। फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखोगे, लॉर्ड शिवा है, इनको त्रिनेत्र भी बोलते हैं, और नेत्र मतलब होता है नयन, तो शिवा से नयनार आप याद कर सकते हो। अलवर्स वो होते थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे। अब दोस्तों, ये जो भक्ति होता है इसमें लोग करते क्या हैं, इसमें साल्वेशन के लिए डिवोशन होती है, ठीक है, डिवोशन टू गॉड एज ए मीन्स ऑफ साल्वेशन, ये हम बात कर चुके हैं, और तमाम इमेजेस मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को डिवोट कर देते हैं, ठीक है। इसमें गॉड एंड डिवोटी के बीच में लव पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती थी, जो लोकल लैंग्वेज होती थी, उसका ये लोग पालन करते थे, उसी को प्रमोट करते थे, उसी में अपने मैसेज देते थे और उसी में अपने टेक्स्ट लिखते थे। क्यों? कारण वही सेम था जिस कारण से अशोका, बुद्धा, महावीरा ने प्राकृत एंड पाली चुनी, उसी तरह से इन लोगों ने वर्नाकुलर लैंग्वेज चुनी। क्यों? ताकि मैक्सिमम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सके। इसके अलावा क्योंकि ये रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे, उसको कंडेम करते थे, तो वही हाल था प्रीस्ट का, जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट थे उनकी प्रेजेंस ये नहीं मानते थे कि भाई उनकी प्रेजेंस जरूरी है, किस चीज़ के लिए, भक्ति के लिए, ठीक है, तो किसी तरह का प्रीस्ट नहीं होना चाहिए। एंड दोस्तों, जब इतनी सारी बातें थी तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, ठीक है, जब आपको कम मेहनत करनी है तो ज़्यादा लोग इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों देखिए, इसके अलावा अगर आप इसका मीनिंग समझना चाहते हैं तो भक्ति का जो ओरिजिन है वो एक संस्कृत वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है भज, भज या भजन आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शेयरिंग करना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है। जब हम लव की बात करते हैं कि लॉर्ड एंड जो डिवोटी है उसके बीच में लव होना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये लव वो इरोटिक लव नहीं है, इस लव का मतलब है स्पिरिचुअल लव,
कंप्लीट डिवोशन, तो ये मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अध्यात्म की बात हो रही है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अगर हम बात करें कि इसका इन्फ्लुएंस हमको किन किन टेक्स्ट पे देखने को मिलता है, तो दोस्तों फर्स्ट मिलेनियम बीसी में भी उपनिषद थे जिसमें हमको भक्ति के बारे में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भगवत गीता है उसमें साल्वेशन प्राप्त करने के लिए भक्ति भी एक मार्ग, एक रास्ता बताया गया है। फ्रेंड्स, साल्वेशन अटेन करने के तीन पाथ होते हैं। नंबर वन इज कर्म, नंबर टू इज ज्ञान मतलब नॉलेज, एंड नंबर थ्री इज भक्ति, जो भगवत गीता में बताई गई है। अब फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको डेली 8 to 10 hours स्टडी करना होता है, ठीक है, तो ये आप कर्म कर रहे हो और इसमें होता क्या है, आपको नॉलेज अटेन करनी होती है, ठीक है, एक ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। एंड दोस्तों, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, आप खुद जानते होंगे, काफ़ी मेहनत लगती है। अब मान लो कल को ऐसा हो कि कोई एक टीचर आता है, वो आपसे बोलता है कि भाई ज्ञान मार्ग भी छोड़ दो, कर्म मार्ग भी छोड़ दो, आप क्या करो भक्ति मार्ग अपना लो, आप मुझ में लीन हो जाओ, मेरी भक्ति करो और मैं आपका यूपीएससी क्लियर करवा दूंगा। अगर आपको कोई ये बंदा कहता है तो मैक्सिमम लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। यही कारण था कि भक्ति जम से इतने लोग जुड़े, क्योंकि मेहनत कम थी। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में आपको ज़्यादा परिश्रम करना होता है, ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं, और भक्ति में इतने एफर्ट नहीं होते हैं, और यही कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे जुड़े थे। अब हम आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये सारे फीचर्स आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं और इवन प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। काफ़ी कुछ तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इंटेंस लव एंड डिवोशन, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं, इसमें आपको लव एंड डिवोशन दिखाना होता है। यूनिटी ऑफ गॉड, गॉड सब एक ही हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है भक्ति में कि आप जो भगवान का नाम होता है उसको बार बार रिपीट करते हो, मतलब हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, तो जो भगवान का नाम है, जो ट्रू नेम है, उसको आप बार बार रिपीट करते हो। इसमें रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को रिजेक्ट किया जाता है, बता चुका हूँ। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इवन जो वुमेन हैं, शूद्राज हैं, वो सभी इसमें अलाउड होते हैं, इसीलिए जो लोअर कास्ट थी सभी लोग इससे जुड़े थे। ओपन माइंडेड है जेंडर इश्यूज को लेके, वुमेन की भी एंट्री थी इसमें, आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में, ठीक है। देन इसमें लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें एक ट्रू जो गुरु होता है उसकी आवश्यकता होती है, जो आपको बताएगा कि भाई किस तरह से आपको भक्ति करनी है, नीड ऑफ ए ट्रू गुरु टू रियलाइज गॉड। जैसे हम देखते हैं गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट गुरुज हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये लोग बात करते हैं इक्वलिटी की, ये बात करते हैं ब्रदरहुड की, तो फ्रेंड्स ये आप इसको ऐसे वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो प्रीस्ट हैं उनको नकार देते हैं कि भाई ये तो मिडिल मैन है, हमको किसी भी तरह का मिडिल मैन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गॉड के साथ एक पर्सनल कनेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ भूमिका में। अब जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में हमको दो स्कूल देखने को मिलते हैं, एक स्कूल है निर्गुणा और दूसरा कौन सा है सगुण स्कूल, सगुण स्कूल होता है, ठीक है। अब इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, बेसिस ये है कि किस तरह से इन्होंने गॉड को इमेजिन किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई क्या इन्होंने डिफरेंटली इमेजिन किया है। अगर हम बात करते हैं निर्गुण की, तो देखिए नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा, निर मतलब नहीं और गुण मतलब क्वालिटी या फिर एट्रीब्यूट्स, तो मीन्स इसमें गॉड के पास कोई क्वालिटी नहीं होती है, ना ही कोई गुण होगा, कोई एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इनमें जो गॉड होता है वो फॉर्मलेस होगा, उसका कोई आकार नहीं होगा, कोई शेप नहीं होगा, कोई साइज नहीं होगी, ठीक है। और इसमें फोकस होता है नॉलेज के ऊपर। अब फ्रेंड्स, जब गॉड फॉर्मलेस है तो मीन्स मंदिर भी नहीं होंगे, देयर विल बी नो टेम्पल्स,
उसमें आइडल वर्शिप भी नहीं होगी, क्योंकि जब शेप ही नहीं है, जब कोई फॉर्म ही नहीं है, तो फिर किस बात का आइडल वर्शिप। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हैं निर्गुण स्कूल के। और इसके जो प्रोमिनेंट जो इसके फॉलोअर्स थे वो कौन थे? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल। फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखने होंगे, इन पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अब अगला स्कूल आता है सगुण स्कूल। फ्रेंड, जितना हमने पढ़ा निर्गुण में उसका उल्टा कर लीजिए तो आ जाएगा सगुण स्कूल। यहाँ पे गुण होंगे, यहाँ पे क्वालिटी होंगी, यहाँ पे एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है सगुण स्कूल। इसमें गॉड की एक डेफिनेट फॉर्म होती है, क्वालिटी होती है। अब जब फॉर्म है, इट मीन्स टेम्पल भी होगा, इट मीन्स इमेज भी होगी, इट मीन्स उनकी मूर्तियाँ भी होंगी, उनके आइडल्स भी होंगे। और जब आइडल्स होंगे तो आप उनका करोगे क्या? आप उनकी पूजा करोगे, आप भक्ति करोगे। तो इसमें फोकस किस चीज़ पे है? लव एंड डिवोशन पे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं क्या? अब क्योंकि गॉड है, उसकी शेप भी है, उसकी साइज भी है, उसके टेम्पल्स भी हैं, उसकी आइडल्स भी हैं, इट मीन्स उसके इंकार्नेशन भी होंगे। ठीक है, तो ये भी इसी स्कूल का एक फीचर होता है। ठीक है, ये लोग जो हैं, जो ह्यूमन गुरु की बात करते हैं कि गॉड और डिवोटी के बीच में एक ह्यूमन गुरु होना चाहिए। और इसके जो प्रोमिनेंट फॉलोअर्स थे वो थे रामानुजा, रामानंदा एंड चैतन्य महाप्रभु। फ्रेंड्स, 2018 या 19, मेरे ख्याल से ये 18 की बात है, इस टाइम मैंने भी मेंस दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, चैतन्य महाप्रभु। इनके ऊपर आपको लिखने थे, दो पन्ने भरने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के ही हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की ही है, जो कि सगुण स्कूल से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों, अगर हम वुमेन की बात करें तो हमने देखा था कि ये ब्रदरहुड की बात करते हैं, ये इक्वलिटी की बात करते हैं। तो भक्ति में वुमेन को इनकरेज किया गया था कि आप आगे आओ, अपना घर बार छोड़िए, आगे आइए, पार्टिसिपेट करिए। और हमने मीराबाई का एग्जाम्पल देखा ही था, जो कि भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, कंप्लीटली डिवोटेड थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने काफ़ी सारे स्टोरीज में सुना होगा, इसके प्रोग्राम्स भी आपने देखे होंगे। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट की, ठीक है, तो उसमें वैष्णवाइट मूवमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट था, और उसमें जो फोकल पॉइंट था वो थे लॉर्ड श्री कृष्णा। ठीक है, और ये सब आप को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा इस चीज़ का। अब जब ये भक्ति मूवमेंट होता है, तो इसमें जो वर्नाकुलर लिटरेचर होता है उसमें काफ़ी सर्ज होता है, काफ़ी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो टेक्स्ट पहले संस्कृत में लिखे गए थे उनका ट्रांसलेशन होता है लोकल लैंग्वेज में। और क्यों? ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स को, उन टेक्स्ट को एक्सेस कर पाएँ, उनको इंटरप्रेट कर पाएँ। इसीलिए बात होती है कि पर्सनलाइज गॉड, आप खुद डिसाइड करो आपको क्या करना है। आपको किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताए कि भाई अब ये सामग्री डालिए यज्ञ में, अब ये डालिए, ऐसा नहीं। आप खुद समझदार हैं, पढ़िए और डिसाइड करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी में तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मराठी में ज्ञान देवा, नाम देवा। ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे। जैसे कि राजस्थानी में है मीराबाई, बिहारी, असामीज में है शंकर देवा। ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे। अब चलते हैं साउथ की तरफ। हमने बात की थी अलवर और नैनार की, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये अलवर्स कौन थे? जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो कर रहे हैं। इनके द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज दिव्य प्रबंधा एंड नंबर टू इज दिव्य देशम। ये आपको याद रखना होगा। एंड जब हम अलवर्स की बात करते हैं तो आपको अंडाल का नाम भी याद रखना होगा। फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक इकलौती फीमेल अलवर संत थी जिसे मीरा ऑफ द साउथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आते हैं नैनार्स। फ्रेंड्स, इनके जो टेक्स्ट हैं उसको कहते हैं तेवाराम, जिसको द्रविड़ वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना होगा। ये वो लोग होते हैं जो कि लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है, उसका क्या नाम है? तिरुमुराई। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो टेक्स्ट हैं,
एक तो है तेवाराम और दूसरा है तिरुमुराई। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको याद रखना होगा। ये लोग भी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को अपोज करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे, जैनिज्म बुद्धिज्म को भी क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा साउथ इंडिया में हमें वीर शैवा मूवमेंट या फिर लिंगायत के बारे में भी पता करना होगा, और ये अक्सर काफ़ी करंट न्यूज़ में रहता है, आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा। बेसिक्स में यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो लिंगायत होते हैं या जो वीर शैवा मूवमेंट है, इसमें बेसिकली ये एक शैवाइट सेक्ट है हिंदुइज्म का। लॉर्ड शिव को ये लोग मानते हैं। 12th सेंचुरी AD में कर्नाटका में इसका इमर्जेंस होता है। जो हिंदू जो रिलीजन है उसमें जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, जो कास्ट सिस्टम है, उस सबको ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको किसने इनिशिएट किया था? बासवन्ना ने। फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये बासवन्ना की है, ये नाम आपको याद रखना होगा। ये लोग चाहते हैं कि एक इगेलिटेरियन सोसाइटी हो, सब लोग समान रूप से उसमें आए, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है वीर शैवा या फिर लिंगायत। एंड दोस्तों लिंगायत के बारे में आप काफ़ी कुछ न्यूज़ में सुनते होंगे। ये जो लिंगायत हैं ये स्ट्रिक्टली मोनोथीस्ट है, मतलब एक ही भगवान की पूजा करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकेश्वरवादी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं भक्तिज्म की, तो काफ़ी सारे प्रोमिनेंट संत हुए हैं, सेंट्स हुए हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, और ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस देख लीजिए, आई थिंक पिछले साल ही पूछा गया था इससे, उसमें आपको टाइमलाइन भी पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाम आप याद रखिए, उसकी टाइमलाइन आप याद रखिए। एंड दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि उस समय इंडिया में किसका शासन था, कौन रूल कर रहा था, ठीक है, अकबर था कि बाबर था, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। अब दोस्तों जब हम रामानुज की बात करते हैं, तो रामानुज से पहले हम बात करते हैं शंकराचार्य की, शंकराचार्य की। अब दोस्तों अगर आपको पता हो तो शंकराचार्य ने बात की थी मोनोइज्म की, अद्वैत की, ठीक है, अद्वैतवाद। अब फ्रेंड्स अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रह्मा है, मींस जो गॉड है, और जो आत्मा है, जो इंडिविजुअल सोल है, ये एक ही हैं। मोनोइज्म, मोनो मतलब एक ही हैं, ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल सोल, तो ये दोनों एक ही हैं, और इसको कहा गया था अद्वैतवाद। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आप एक ऐसे व्यक्ति की भक्ति करो जो बिल्कुल आपके बराबर है, तो क्या आप भक्ति करोगे? नहीं करोगे। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आप हमेशा देखेंगे कि एक बड़ा नेता जो है वो किसी छोटे नेता की भक्ति नहीं करेगा, जबकि जो छोटे नेता होंगे, जैसे कि मान लो कोई काउंसलर है, कोई MLA है, कोई MP है, तो ये सब भक्त होंगे किसके? PM के, ठीक है। तो एक तरह की हायरार्की होना जरूरी है भक्ति के लिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसीलिए जब जब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा एंड आत्मा दोनों ही बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो अगर आप कहें कि आत्मा से कि तुम भक्ति कर लो गॉड की, तो आत्मा कहेगी भाई मैं क्यों करूं, गॉड से बोलिए कि आप मेरी भक्ति करो क्योंकि हम दोनों तो बराबर हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी, इसको दूर किया था रामानुज ने। फ्रेंड्स इनका जो टाइमलाइन है, थोड़ा सा इसमें दो टाइमलाइन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमको सही से पता नहीं है कि कौन सा वाला टाइमलाइन सही है। इन्होंने बात की थी विशिष्ट अद्वैता की, मतलब क्वालिफाइड मोनोइज्म की इन्होंने बात की थी। अब दोस्तों इनका मतलब ये था कि भाई ये बात तो सही है कि जो गॉड है और जो सोल है ये आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि गॉड है होल, जबकि आत्मा क्या है, वो उसका एक पार्ट है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मतलब होता है स्टॉक, गोदाम में जो माल पड़ा हुआ है, ठीक है,
और सोल की हम बात करते हैं तो वो क्या है, सैंपल। जब आप किसी चीज़ को सैंपल दिखाते हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये डिफरेंस समझ पा रहे होंगे आत्मा और परमात्मा में, ठीक है। तो अब आप भक्ति कर सकते हो, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है तो आपको भक्ति पे फोकस करना होगा। और इनके जो डिसिपल थे उनका नाम था रामनंदा, ये आप दोस्तों आपको याद रखना होगा। दो बुक भी इन्होंने लिखी हैं, श्री भाष्य एंड गीता भाष्य। अब नेक्स्ट आते हैं निंबार्का, 13th century, ये पीरियड भी इनका डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ये फाउंडर थे द्वैत अद्वैत फिलोसॉफी के, इसको क्या बोलते हैं, डुअलिस्टिक मोनोइज्म। अब दोस्तों द्वैत अद्वैत मीन्स डुअलिस्टिक मोनोइज्म, इसका क्या मतलब है कि जो सोल है और जो ब्रह्मा है, इस फिलोसॉफी में ये बताया गया है कि ये दोनों सेपरेट हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कहा गया है डुअलिस्टिक मोनोइज्म। ये जो निंबार्का थे ये राधा कृष्ण के डिवोटी थे और फाइनली मथुरा में जाके ये सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज माध्वाचार्य। फ्रेंड्स, इन्होंने द्वैतवाद या फिर डुअलिज्म जो फिलोसफी थी उसको इस्टेब्लिश किया था। इसका क्या मतलब है कि जो ब्रह्मा है और जो सोल है वो अलग अलग हैं। डुअलिज्म मतलब डुअल मतलब दो हैं, मोनोइज्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डुअलिज्म की, ठीक है। और अगर आपको साल्वेशन प्राप्त करना है तो वो केवल ग्रेस ऑफ गॉड भगवान के थ्रू ही हो सकता है, और इसका साफ साफ मतलब है कि आपको भक्ति करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे और इनकी क्या फिलोसॉफीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रामानंदा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भगवान राम, लॉर्ड राम को वर्शिप करते थे और पायनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर भी थे, इन्होंने हिंदी का यूज़ किया है, ठीक है। ये अपनी जो मैसेज थे वो भी हिंदी में देते थे, कंपोजिशन भी इनकी हिंदी में देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे पोइट्स जो संत थे वो इनके डिसिपल थे, जैसे कि कबीर, रविदास, सेना, ठीक है। तो इसलिए इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो भक्ति मूवमेंट था उसके ये ब्रिज थे, ठीक है। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं जिस पे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। बैरागी संप्रदाय जो है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज वल्लभाचार्य। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पुष्टि मार्ग, जो इनकी फिलोसॉफी थी, शुद्ध अद्वैता मतलब प्योर नॉन डुअलिज्म मीन्स प्योर मोनोइज्म, ठीक है, उस वो इनकी फिलोसॉफी थी। इनकी भक्ति कृष्ण सेंटर्ड थी और उसमें भी स्पेशली जो चाइल्ड मैनिफेस्टेशन है, बाल रूप जो है, उसकी ये भक्ति करते थे। ट्रेडिशंस, म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स का यूज होता था, आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और इन्होंने लॉर्ड कृष्णा को आइडेंटिफाई किया था एज ए ब्रह्मा, ठीक है, सर्वशक्तिमान। और उसके लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे जैसे कि सत चित आनंदा। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा सच्चिदानंद, ठीक है, तो उसका ओरिजिन यहीं से है। नेक्स्ट वन इज कबीरदास। फ्रेंड्स, कबीरदास हिंदू फैमिली में इनकी बर्थ होती है लेकिन मुस्लिम फैमिली इनको रेज करती है, ठीक है। रामानंदा के डिसिपल थे, उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, निर्गुण संत माने जाते हैं, यूनिटी ऑफ गॉड्स में भरोसा करते हैं, अल्लाह, राम, रहीम, हरी सब एक ही हैं, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम है, जो अनटचेबिलिटी है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इनकी जो पोएम्स हैं उनको कहते हैं बानीज मतलब वाणी, ठीक है। और वो सब जो इनकी पोएम्स है जिस बुक में लिखी हुई हैं उसको कहते हैं बीजक। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये हिंदी में लिखा करते थे जिसमें अवधी, ब्रज और भोजपुरी इन सब का इन्होंने यूज़ किया था। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं गुरु नानक। ये कबीरदास से इंस्पायर्ड थे, निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे। इन्होंने इम्फेसाइज किया था नाम जपना पे, मतलब गॉड का नाम आप बार बार रिपीट करो, ठीक है, इसको कहते हैं नाम जपना। ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो सिक्किज्म है वो भक्ति मूवमेंट का एक्सटेंशन नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और इनकी जो टीचिंग्स है वो हमको गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती हैं। अगले आते हैं चैतन्य महाप्रभु। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको वहाँ पे दो पन्ने
फिल करने होते हैं। तो आपको आंसर लिखने आने चाहिए जब आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो। उसके बावजूद भी ये जो चैतन्य महाप्रभु थे ये लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे। हम जो बार बार बात करते हैं या हम लोग जब भक्ति करते हैं हरे राम हरे कृष्णा, तो उसको इन्होंने ही पॉपुलर बनाया था, हरे रामा हरे कृष्णा। और आज भी देखिए काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, राधा और कृष्णा की साथ साथ वर्शिपिंग को इन्होंने फेमस किया था। ठीक है, सगुण संत माने जाते हैं और जो इस्कॉन टेम्पल्स आप देखते हैं उसके पीछे की जो इंस्पिरेशन है वो इन्हीं के द्वारा दी जाती है। अब दोस्तों जब मैंने मेंस दिया था वो, तो उसमें मुझे तीन ही इन्फॉर्मेशन पता थी, हरे रामा हरे कृष्णा, मुझे राधा कृष्ण पता था, मुझे इस्कॉन टेम्पल पता था। इन तीन ही पॉइंट्स पे मैंने पूरे दो पन्ने भरे थे। ठीक है, और कैसे भरे थे, क्योंकि काफ़ी कुछ तो मैंने लिखा था भक्ति मूवमेंट के ऊपर और फिर उसके बाद मैंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा था, तो इस तरह से मैंने दोनों पेजेस भरने की कोशिश की थी। अब दोस्तों अगले आते हैं शंकर देव। ये हमने काफ़ी इनके बारे में पढ़ा है जब हम बात करते हैं असम की या फिर वहाँ के जो भावना अंकिया नाट या सत्रिया डांस है। ठीक है, इनका जन्म होता है असम में और इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था वहाँ की जो कल्चरल आर्ट फॉर्म्स होती हैं उसमें। वैष्णविज्म को पॉपुलर बनाया था असम में और इनसे जुड़ा जो मूवमेंट है वो क्या है, एक सरना मूवमेंट, मतलब आप एक ही गॉड की पूजा करोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सब लोगों के फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगले आते हैं गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे और जो सतनामी कम्युनिटी आप सुनते होंगे वो इन्होंने ही उसको इस्टेब्लिश किया था, तो ये इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देन आते हैं सूरदास। फ्रेंड्स ये नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे एंड फेमस पोइट थे, लॉर्ड कृष्णा के वर्शिपर थे। ठीक है, एंड जो वल्लभाचार्य की हमने बात की थी उनके डिसिपल थे, उनके अनुयायी थे। ठीक है, और ये भी लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड जो फॉर्म थी उसको वर्शिप करते थे, मीन्स जो बाल कृष्ण है उसकी ये वर्शिप किया करते थे। अगले आते हैं दादू दयाल। फ्रेंड्स ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बाद में जाके जो दादू पंथ है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अगले आते हैं मीराबाई। फ्रेंड्स ये जो मीराबाई थी ये राजस्थान से बिलोंग करती थी, प्रिंसेस थी, रॉयल फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, पाली राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप करती थी और कृष्णा को अपना लवर के तरह ये मानती थी। इसमें आखिरी आते हैं नरसिंह मेहता, जो कि गुजराती पोएट थे। फ्रेंड्स आपने अक्सर सुना होगा महात्मा गांधी जी एक भजन गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कही है। ठीक है, तो वो भजन इन्हीं का है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल बन सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं महाराष्ट्र के भक्ति संतों के ऊपर। फ्रेंड्स इस बार जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस एरिया से आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए जो हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भक्ति संतों की, ठीक है, तो उनको वर्कारीज भी कहते हैं। ये वर्कारीज वो लोग थे जो कि लॉर्ड विट्ठला उनको वर्शिप करते थे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट संत हैं जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इनकी जो सबसे फेमस जो इनका टेक्स्ट है वो है अभंगाज। ठीक है, इसमें लॉर्ड विट्ठल जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है उनके बारे में काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संत ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के पहले भक्ति संत माने जाते हैं और इन्होंने जो भगवत गीता की कमेंट्री लिखी है उसका क्या नाम है, ज्ञानेश्वरी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी लॉर्ड विठोबा या फिर विठला ये एक ही हैं, इनके इनको वर्शिप करते थे। ठीक है, एंड फ्रेंड्स ये वो टेबल्यू था जो रिपब्लिक डे परेड में शोकेस किया गया था। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि संत ज्ञानेश्वर को यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये जो आगे जो बुक आपको दिख रही है ये है ज्ञानेश्वरी। ठीक है, यहाँ पे पीछे जो है आप लॉर्ड विठला लॉर्ड विठोबा को देख सकते हैं और यहाँ पे आपको शिवाजी दिख रहे होंगे और शिवाजी के साथ में कौन शख्स आपको दिख रहा है, वो है संत तुकाराम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चीज़ को समझ सकते हैं कि शिवाजी और तुकाराम ये कंटेम्प्ररी थे।
ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। एंड फ्रेंड्स, सबसे पीछे जो आपको बुक दिख रही थी वो क्या थी, अभंग, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस टेबल्यू में शोकेस की गई थी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, आप इसको इस पर फोकस ज़्यादा दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं नामदेव, जो कि उनके भजनों के लिए काफ़ी फेमस हैं। देन एकनाथ, फ्रेंड्स इनका जो सबसे प्रोमिनेंट वर्क है वो है एकनाती भगवता, ये आपको दोस्तों याद रखना होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और मराठी संत हैं, जैसे कि संत तुकाराम, संत रामदास, तो इनके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भक्ति मूवमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हालांकि ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं, एक कंसोलिडेट फॉर्म में यहाँ पर हम बात करते हैं कि इससे एक तो रिलीजियस सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स काफ़ी हुए थे, कास्ट को इन्होंने अपोज किया था, कल्चर की हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा एक इगलिटेरियन सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया, ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं, जो रिचुअल्स थे, जो प्रीस्ट थे उसको कंडेम किया। इसके अलावा ये बात करते थे कि भजन और कीर्तन के थ्रू जो है आप गॉड को वर्शिप करो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो इनके द्वारा कंट्रीब्यूट की गई थी। अब दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर है ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये टेबल याद रखनी होगी। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो मुगल रूलर्स थे उनका जो पीरियड है रूल का, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा संत किस मुगल एम्परर के कंटेम्प्ररी था या उसके समकालीन था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब दोस्तों हम आते हैं आज के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शक एरा कैलेंडर हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर ऑफ द कंट्री। दोस्तों आप ये बात शायद जानते होंगे, ठीक है, तो ऑन द शक एरा कैलेंडर द ईयर 2020 वुड करस्पॉन्ड टू, मतलब दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2020 साल की, तो जो शक कैलेंडर होगा उसमें ये साल किस रूप में दिखाया जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। 1942, 1963, 1999 या फिर 2077। फ्रेंड्स देखिए, हम जानते हैं कि जो 78 एडी है, ठीक है, वो शक एरा में इसको जीरो ईयर मानते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो 2020 है उसमें से आप माइनस कर दीजिए 78 को, तो आपको शक संवत या फिर शक एरा जो होगा उसमें क्या ईयर है वो समझ में आ जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 1942 शक एरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें पूछा गया है कि जो ललित कला अकादमी है उसके संबंध में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। नंबर वन, नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। अब दोस्तों आप बताइए ये सही है कि गलत है। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों है हम आगे देखेंगे। ऑटोनोमस बॉडी है, फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमने डिस्कस नहीं की है, इसीलिए यह क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप इस पर फोकस करें, ठीक है। ललित कला अकादमी दोस्तों इसको बोलते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट, ठीक है, कला का मतलब क्या होता है, आर्ट होता है। इसको 1954 में सेटअप किया गया था, ऑटोनोमस बॉडी है, फुल्ली फंडेड है। एंड दोस्तों जो संगीत नाटक अकादमी है वो एक नेशनल अकेडमी है म्यूजिक की, डांस की एंड ड्रामा की, ठीक है, तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टू ओनली। अब फ्रेंड्स ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकेडमी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे हमको तीन टेंपल दिए गए हैं, सन टेंपल कोणार्क, शौर टेंपल ममलापुरम, लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर, और इन तीनों को ही हमको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले कौन बनाया गया था। दोस्तों देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो जब तक आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे इसका मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको शौर टेंपल मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेगा लिंगराज टेंपल, ठीक है,
और सबसे एंड में आपको मिलेगा सन टेम्पल कोणार्क। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2, 3, 1। एंड दोस्तों यहाँ पे आप इनका टाइम पीरियड देख सकते हैं, सबसे पहले शौर्य टेम्पल, देन लिंगराज टेम्पल और उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि जो लॉयन कैपिटल है अशोका वाली, उसके अबेकस पे हमें कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड टाइगर। फ्रेंड्स ये जो अशोकन एम्बलम है, ये जो लॉयन कैपिटल है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड टाइगर, आप बताइए इन चारों में से कौन कौन उस कैपिटल पे हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एलिफेंट है, हॉर्स भी है, बुल भी है एंड टाइगर, टाइगर नहीं है, इसकी जगह लॉयन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ा सा डीप में जाके आपको रिवीजन करना होगा, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है लेकिन आप रिवाइज करेंगे तो आसानी बढ़ जाएगी। अब आता है कि संगम एज में जो रूरल सोसाइटी थी उसके रिगार्डिंग आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं और उसका मीनिंग दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा सही है। फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार कहा है कि टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अधिमाई, उजावर एंड वेल्लार। फ्रेंड्स वेल्लार तो हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज लैंड ओनर्स। इसका मतलब दोस्तों ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, उजवार मीन्स प्लाउमैन, ठीक है। तो ऑप्शन बी 2 ओनली। इस तरह से अगर न भी आए तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हो। एंड दोस्तों डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो हैं वेल्लार्स, जो प्लाउमैन हैं वो उजवर हैं, और जो लैंडलेस लेबर होती है उनको कहते हैं कड़ई सियार या फिर अधिमाई, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है अवधनाज ये किसका पार्ट है, अगर हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की, जैन लिटरेचर, वैदिक, बुद्धिस्ट या फिर संगम। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था, अवधनाज जो हैं वो पार्ट होते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये करंट अफेयर में था, इसमें 3 मोनेस्ट्री दी हुई हैं और उनका प्लेस भी दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है, बोमडिला सिक्किम, रंगडुम लद्दाख एंड रुमटेक अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 2 ओनली। जो रंगडुम है वो लद्दाख में है लेकिन बाकी की जो 2 हैं वो गलत हैं। जो रंगडुम मोनेस्ट्री है वो है लद्दाख में, बोमडिला आती है अरुणाचल प्रदेश में एंड जो रुमटेक है वो आती है सिक्किम में। फ्रेंड्स ये मोनेस्ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमसे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, किंगडम है और क्या सिग्निफिकेंस है वो बताई हुई है और हमको बताना है कि कौन सा पेयर सही है। पल्लवाज इन्होंने रॉक कट टेम्पल की आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था, दोस्तों हमने देखे थे रथ टेम्पल वगैरह, ठीक है, तो ये तो सही होगा। चालुक्याज इन्होंने वेसरा स्टाइल डेवलप की थी, फ्रेंड सही है ना, हम बात कर चुके हैं वेसरा वो स्टाइल है जिसमें नगर एंड द्रविडियन दोनों का मिक्स हमको देखने को मिलता है। चोलाज दे इनिशिएटेड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब दोस्तों बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, चोला किंगडम इनिशिएटेड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें जो की वर्ड है वो है इनिशिएटेड। अब दोस्तों इनिशिएटेड तो किया था पल्लवाज नहीं, हमने देखा था 4 या 5 कैटेगरी थी, ठीक है। जो चोला किंग्स थे उन्होंने, उनके टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, इनिशिएशन तो किया था पल्लवाज ने, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री वर्कारी मूवमेंट का संबंध किसके साथ है। अब दोस्तों वर्कारी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट की, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए,
ठीक है, उससे ही सवाल बनते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। एंड दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, भरगु कच्चा, सुपारा एंड पटाला, इनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए हरप्पन साइट्स, बी है पॉलिटिकल सेंटर थे, पोर्ट्स थे, या फिर अर्बन सेंटर्स थे। अब दोस्तों देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे भृगु कच्चा, अब फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपने भरूच के बारे में पढ़ा होगा, आप उसको इससे लिंक कर सकते हो भरूच, और भरूच क्या था, एक एंशियंट पोर्ट था, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा रिस्क आपको लेनी होगी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चीफ पोर्ट्स अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो भरगु कच्चा है उसको बोलते हैं भरूच, सुपारा बॉम्बे के पास है, और जो पटाला है ये बेसिकली इंडस रिवर के माउथ पे ये पोर्ट सिटी इस्टेब्लिश की गई थी अलेक्जेंडर के टाइम पे। तो दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।